चैप्टर नंबर 13 और लेक्चर नंबर 13 सब्जेक्ट मैथ। अब इसके थ्योरम की स्टेटमेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। थ्योरम की स्टेटमेंट ये है कि द सम ऑफ लेंथ ऑफ एनी टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन लेंथ ऑफ थर्ड साइड। कि इसका मतलब ये है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड्स का सम, दो साइड्स की लेंथ का सम हमेशा ग्रेटर होगा थर्ड साइड्स की लेंथ। मतलब फॉर एग्जांपल मैं इस ट्रायंगल एबीसी की बात करूं, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी यानी ये साइड प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीसी अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम, स्टेटमेंट ऑफ थ्योरम। नेक्स्ट, इसी तरीके से ये मैंने इन दो साइड की बात की, अगर मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीसी यानी एबी और बीसी का इनकी लेंथ का सम ग्रेटर होगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी। इसी तरीके से थर्ड कंडीशन भी सेम ऐसे कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीसी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सीए ग्रेटर होगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी। मतलब ये तीनों कंडीशन है, ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होना लाजमी है। यदि फॉर एग्जाम्पल आपको कोई से तीन साइड दे देता है, ट्राइंगल की साइड देता है, वो चेक ये को कहता है आप चेक ये करो कि ये ट्राइंगल की साइड है कि नहीं है, तो तब होगा अगर उसमें दो साइड का सम थर्ड साइड से ग्रेटर होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो वो ट्राइंगल की साइड नहीं होगी, सम की ये कंडीशन है। अब नेक्स्ट थ्योरम है, उसमें क्या है कि प्रूव दैट डिफरेंस ऑफ मेजर ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्राइंगल इज लेस देन द मेजर ऑफ थर्ड साइड। वहां पे सम की बात की थी, यहां पे डिफरेंस की। डिफरेंस के लिए ये होता है कि दो किसी भी ट्राइंगल में दो साइड का जो डिफरेंस है वो लेस होगा थर्ड साइड की मेजरमेंट से। अब इसमें मैं इसमें बात करूं मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी माइनस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी लेस होगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीसी के। इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीसी माइनस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी लेस एंड होगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी के। और इसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बीसी माइनस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एसी लेस देन होगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट एबी के। मतलब ये जब आपको अगर तीन साइड दे दी जाए, वो कह चेक ये करो कि ये डिफरेंस है, ये तीनों साइड जो साइड है ट्राइंगल की साइड है कि नहीं। अब क्या करोगे, तीनों कंडीशन सेटिस्फाई कराओगे। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होती हैं कि दो साइड्स की मेजरमेंट का डिफरेंस थर्ड साइड से लेस होता है तो वो ट्रायंगल की साइड्स होंगी। और इसमें ये एक और भी है कि थ्योरम की स्टेटमेंट है कि सम और डिफरेंस थर्ड साइड के इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इससे रिलेटेड मेरे पास है एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर है 1, ये बुक में दी हुई है। उसके उसने दे दिए हैं कुछ साइड दे दिए, वो कहता है चेक ये करो ये ट्रायंगल की साइड है क्या नहीं है। अब इसमें ना उसने ए पार्ट दिया है मेरे पास 2 सेंटीमीटर और नेक्स्ट है 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। वो कहता है चेक ये करो ये ट्रायंगल की साइड है क्या नहीं। अब क्या करेंगे, मैंने अभी आपको बताया कि आप चेक करने के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, ये थ्योरम की फर्स्ट स्टेटमेंट अप्लाई करोगे कि सम ऑफ टू साइड ऑफ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। मैं इसमें दो साइड फॉर्मूला पहले दो साइड चेक करता हूँ 2 प्लस 3, अब इसका रिजल्ट क्या आता है 5, और थर्ड साइड में मेरे पास क्या है 5 आया के ग्रेटर है इक्वल है या लेस देन है, तो ये 5 ग्रेटर देन नहीं है 5 से, यानी थर्ड साइड 5 जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है। जब ये थर्ड साइड से ग्रेटर नहीं है तो ये ट्राइंगल की साइड नहीं है, सम के लिए मैं बात कर रहा हूँ। नेक्स्ट मेरे पास उसने दिया हुआ है बी पॉइंट, ये है 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। आप जब इसको चेक करें देखें, आपके पास सम के लिए मैं चेक कर रहा हूँ 3 प्लस 4 आंसर क्या आएगा 7, तो थर्ड साइड क्या है 5, तो 7 ग्रेटर देन 7, तो पहली कंडीशन इसमें फुलफिल होगी। नेक्स्ट मैं नेक्स्ट अप्लाई करता हूँ, मेरे पास क्या है 5 प्लस 4
आंसर क्या आता है? नाइन। तो नाइन नाइन जो है मेरे पास क्या है, नाइन ग्रेटर देन थ्री, यानी जो थर्ड साइड मेरे पास बचती है क्या, थ्री बचती है। तो ये इनका सम जो आ रहा है वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है। ये भी कंडीशन फुलफिल होती है। नेक्स्ट मैं क्या करता हूँ, मेरे पास है फाइव प्लस थ्री, वो इक्वल आता है किसके, एट के। अब एट जो है वो अब थर्ड साइड कौन सी बची हुई है मेरे पास, फोर। तो एट ग्रेटर देन फोर। तो ये वाला जो बी वाला ऑप्शन है, ये ट्रायंगल की साइड है। उसने सम से कहा था, सम से मैंने चेक किया कि दो साइड्स का जो सम आ रहा है वो थर्ड साइड से क्या आ रहा है, ग्रेटर आ रहा है, तो इसलिए ये ट्रायंगल की साइड्स हैं। और सी ऑप्शन भी उसने दिया हुआ, कहता है ये भी चेक करो, आपके पास है टू सेंटीमीटर, फोर सेंटीमीटर और सेवन सेंटीमीटर। अब इनको आप क्या करें, ऐड करें, टू प्लस फोर, आंसर क्या आता है, सिक्स। तो इधर आपके पास थर्ड साइड बच रही है वो सेवन बच रही है, तो सिक्स डज नॉट ग्रेटर देन सेवन थर्ड साइड, इसलिए ये ट्रायंगल की ये साइड नहीं है। सिर्फ ये वाला बी वाला ऑप्शन जो है ये ट्रायंगल की साइड्स हैं। अब 13.1 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर टू, ओ इस इंटीरियर पॉइंट ऑफ, अब मेरे पास क्वेश्चन है ओ इस इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल ए बी सी सच दैट, अब ये प्रूव करना है, सच दैट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी ग्रेटर देन 1 ओवर 2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी ए। भाई इसको ये क्वेश्चन है, ओइज इंटीरियर पॉइंट ऑफ ट्रायंगल सच दैट, प्रूव ये करना है कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी ग्रेटर देन 1 ओवर 2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी ए। इसके लिए इसको प्रूव करने के लिए क्या करता हूँ, इसके लिए मैं एक ट्रायंगल बनाता हूँ। ट्रायंगल आपके पास है बाय गिवन के एक ट्रायंगल है ए बी सी, क्योंकि सर ए बी सी ट्रायंगल की बात की है। ट्रायंगल मेरे पास है ए बी और सी, और दूसरा उसने कहवा है कि वो इज इंटीरियर पॉइंट, वो मैं क्या इंटीरियर पॉइंट चूज कर रहा हूं। मेरे पास ये चीज गिवन है, अब ओ को ए से ज्वाइन किया, ओ को सी से ज्वाइन किया और ओ को ए पॉइंट से, ओ को बी से, ओ को ए से और ओ पॉइंट को सी से ज्वाइन किया। अब नेक्स्ट मैंने प्रूफ क्या करना है, प्रूफ मेरे पास ये है, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी ग्रेटर होगा 1 ओवर 2 मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट सी ए। इसको मैंने प्रूव करना है। अब इसकी कैलकुलेशन इसके लिए आपने अभी मैंने आपको बताया थे ना कि फर्स्ट स्टेटमेंट आपके पास है कि ओ इज अ इंटीरियर पॉइंट, ओ जो आपके पास है इंटीरियर पॉइंट है किस ट्रायंगल, ट्रायंगल एबीसी का, और प्रूव आपने ये करना है। अब इसके लिए थ्योरम के फर्स्ट साइड मैंने आपको बताई थी, सम ऑफ टू साइड ऑफ अ ट्रायंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड, मैं ये वाली कंडीशन अप्लाई कर रहा हूँ। अब इसके लिए ये देखिए, इस ट्रायंगल में तीन ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल बन गई ओ ए बी, एक ट्रायंगल बन गई ओ बी सी और एक ट्रायंगल आपके पास बन गई ओ ए सी।
अब तीनों पे अलग अलग कंडीशन अप्लाई करूंगा. इन ट्राइंगल ओ ए बी, अब इससे ट्राइंगल, इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, इस ट्राइंगल की. अब इस ट्राइंगल पे वही सम ऑफ द साइड ऑफ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड. क्या आप लिख सकते हो कि मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी अकॉर्डिंग टू फर्स्ट एयर. अब इसको मैं फर्स्ट इन इक्वेशन का नाम दे रहा हूं. सेकेंड इन ट्राइंगल ओ ए सी, इसमें भी ऐसे मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी के. ये मेरे पास है सेकंड इन इक्वेशन. और अब इस ट्राइंगल की बात कर रहा हूं. इन ट्राइंगल ओ बी सी, अब इस ट्राइंगल में उसी तरीके से मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी ग्रेटर देन होगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी के. ये आपके पास है थर्ड इन इक्वेशन. अब ये चीज प्रूव करने के लिए क्या करूंगा, इन तीनों इन इक्वेशन को मैं ऐड करूंगा. एडिंग फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड, इन थर्ड इन इक्वेशन को ऐड करूंगा. अब इसके लिए क्या, जब ऐड करूंगा ये लेफ्ट साइड आपस में ऐड होंगे, राइट साइड आपस में ऐड होंगे. अपनी लेफ्ट साइड को आपस में ऐड करो, मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी. यानी ये साइड, ये चीज और ये चीजें मैंने आपने ऐड की, और ये वाला इन इक्वेशन का साइन यूज किया ग्रेटर देन वाला, और इनको राइट साइड को आपस में ऐड किया. यहाँ पे बनेगा मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी. अब देखें, जब मैं इनको ऐड करूंगा ओ ए और ओ ए टू टाइम है, तो इसको मैं लिख सकता हूं टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस ओ बी भी टू टाइम है, तो टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी और ओ सी भी टू टाइम है, टू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए और ए बी और प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी. अब टू इनमें से कॉमन लें, टू कॉमन लेंगे तो मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी ग्रेटर देन मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी. अब टू मल्टीप्लाई इस साइड पे डिवाइड होगा, तो मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ सी ग्रेटर देन वन ओवर टू. टू इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो वन ओवर टू इंटू मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी प्लस मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट बी सी. देखिए ये आपके पास प्रूव हो गया, जो मैंने प्रूव करना था मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ओ ए प्लस ओ बी प्लस ओ सी ग्रेटर देन वन ओवर टू मेजरमेंट ऑफ ए बी प्लस ए सी प्लस सी ए. और इससे एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर थ्री. अब क्वेश्चन नंबर थ्री भी वो कैसे करना है, उसने कहा इन ट्रायंगल एबीसी, इन ट्रायंगल क्वेश्चन नंबर थ्री, इन ट्रायंगल एबीसी मेजरमेंट ऑफ एंगल बी इज इक्वल टू 70 डिग्री एंड मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 45 डिग्री. व्हाट द साइड ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, व्हाट इज द
साइड ऑफ लॉन्गेस्ट एंड शॉर्टेस्ट, मतलब ये उसने एंगल के रिलेशन बता दिया। वो कहता है इसमें से ना कौन सी साइड लॉन्गेस्ट है, कौन सी साइड शॉर्टेस्ट है। अब इसके लिए पहले मैं ट्रायंगल को सॉल्व कर लेता हूं, थर्ड एंगल फाइंड कर लेता हूं। ट्रायंगल अब सॉल्व करने के लिए मैं पहले ट्रायंगल डायग्राम बना रहा हूं। मेरे पास एक ट्रायंगल है ए बी और सी। अब बी की मेजरमेंट उसने दे दी है 70 डिग्री और सी की मेजरमेंट है 45 डिग्री। थर्ड मैंने फाइंड करना है। अब मुझे पता है कि जब दो एंगल का सम दिया, दो एंगल दिए, थर्ड एंगल फाइंड किया जा सकता है कि मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल सी इज इक्वल टू 180 डिग्री। के तीनों एंगल का जो इंटीरियर एंगल का सम होता है किसी भी ट्राइंगल में, उनका सम 180 डिग्री कहलाता है। तो ए मैंने फाइंड करना है, मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस मेजरमेंट ऑफ एंगल बी कितना दिया हुआ है, 70 डिग्री दिया हुआ है। मेजरमेंट ऑफ एंगल सी जो है वो 45 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। मेजरमेंट ऑफ एंगल ए प्लस 70 और 145 आपके पास बचेगा 115 डिग्री इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 115 डिग्री। तो माइनस करें तो ये आपके पास बचेगा 65 डिग्री। तो थर्ड एंगल है वो आपके पास कितना आएगा, 65 ए। अब हमारे पास एक थ्योरम की स्टेटमेंट है, किसी भी ट्रायंगल में जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड लॉन्गेस्ट होगी, और जो सबसे लेस एंगल होगा यानी इन तीनों एंगल में से जो सबसे लेस होगा उसकी अपोजिट साइड क्या होगी, लेस होगी। इन अ ट्रायंगल द साइड अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लॉन्गेस्ट एंड द साइड अपोजिट टू शॉर्टेस्ट एंगल इज शॉर्टेस्ट। यानी किसी भी ट्राइंगल में सबसे जो बड़ा एंगल होगा उसकी अपोजिट साइड ग्रेटर होगी, लॉन्गेस्ट होगी, और जो सबसे लेस एंगल होगा वो शॉर्टेस्ट होगी। अब यहां पे सबसे बड़ा एंगल जो है वो 70 डिग्री है, तो हम कहेंगे ए सी जो है वो लॉन्गेस्ट है साइड बाकी दोनों साइड से, और जो सी एंगल है वो 45 डिग्री है, इन दोनों से सबसे लेस है। तो ये जो साइड है ए बी बाकी दोनों साइड से क्या है, लेस है, ये शॉर्टेस्ट है। तो आप लिखोगे इसके दो पार्ट बना के, सो फर्स्ट में आप लिखोगे साइड मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए सी इज लॉन्गेस्ट साइड। आपसे उसने ये पूछा है तो कौन सी साइड सबसे बड़ी है, लॉन्गेस्ट है, तो लिखोगे ए सी। और नेक्स्ट मेजरमेंट ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज शॉर्टेस्ट, ये सबसे छोटी साइड है। ये मैंने आपको रीजन भी बता दिए कि स्मॉल एंगल की अपोजिट साइड है, ये ग्रेटर एंगल की अपोजिट साइड है।